हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ विटनेस के बारे में। तो जैसा हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि विटनेस कौन लोग होते हैं, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ विटनेस के बारे में। तो जो विटनेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन कॉमन विटनेस मींस ऑर्डिनरी विटनेस, एंड सेकंड हमारे होते हैं कौन, एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, अब ये जो कॉमन विटनेस हैं या एक्सपर्ट विटनेस हैं, ये दोनों ही क्या हो सकते हैं, हॉस्टाइल विटनेस भी हो सकते हैं। तो हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे कॉमन विटनेस के बारे में, एक्सपर्ट विटनेस के बारे में और हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि नाम में ही क्या है, कॉमन ऑर्डिनरी। ठीक है, तो कॉमन विटनेस वो पर्सन होते हैं जो टेंडर करते हैं क्या, एविडेंस अबाउट द फैक्ट्स जो कि उन्होंने ऑब्जर्व्ड किया है या फिर परसीव्ड किया है। तो ऐसे विटनेस जो होते हैं वो कॉमन हैं, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है इन टेंडरिंग द एविडेंस। ठीक है, तो ये वाले जो पर्सन होते हैं ये कॉमन विटनेस होते हैं या फिर ऑर्डिनरी विटनेस होते हैं। फर्स्ट हैंड नॉलेज जो रूल होता है वो अप्लाई यहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि ये टेंडर कर रहे हैं एविडेंस को, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड द फैक्ट बाय वन ऑफ हिज सेंसेस और ऑब्जर्व्ड द फैक्ट। तो वही चीज़ जैसे हम लोगों ने कहा, या तो इन्होंने फैक्ट को ऑब्जर्व्ड किया है या परसीव्ड किया है थ्रू एनी ऑफ द सेंसेस। तो ये विटनेस जो होते हैं ये हमारे होते हैं कॉमन विटनेस। नेक्स्ट कैटेगरी होती है एक्सपर्ट विटनेस की। तो जैसा नाम में ही क्या है, एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट विटनेस जो होते हैं ये वो पर्सन होते हैं जो कि स्किल्ड होते हैं या ट्रेंड होते हैं किसी साइंटिफिक या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये कौन से विटनेस कहलाते हैं, एक्सपर्ट विटनेस कहलाते हैं। तो इनका इस स्किल का या ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि ये कैपेबल होते हैं ऑफ ड्रॉइंग द कंक्लूजन एंड द ओपिनियंस फ्रॉम द फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय हिमसेल्फ और नोटिस्ड बाय अदर। जबकि कॉमन विटनेस ऐसा कोई कंक्लूजन या ओपिनियन नहीं देते थे, वो बस वो फैक्ट्स टेंडर करते थे जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया होता था या परसीव किया होता था। जबकि क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन भी डिराइव कर सकते हैं और अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, लाइक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट इन डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग, वॉइस एनालिसिस, फायरआर्म एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये कौन लोग होते हैं, एक्सपर्ट हैं, और ये हमारे किस सेक्शन में आते हैं, 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि चाहे वो कॉमन विटनेस हो या एक्सपर्ट विटनेस हो, ये दोनों ही हमारे टर्न हो सकते हैं हॉस्टाइल। ठीक है, तो हॉस्टाइल विटनेस का जो दूसरा सिनोनिम है वो क्या है, एडवर्स विटनेस, अनफेवरेबल और द अनविलिंग विटनेस। ठीक है, तो हॉस्टाइल विटनेस इज वन हु कंसील्स होल और पार्ट ऑफ द ट्रुथ एंड ऑफर एडवर्स टेस्टिमनी अगेंस्ट हिज ओन पार्टी। ठीक है, तो ऐसे विटनेस हमारे क्या कहलाते हैं, हॉस्टाइल विटनेस कहलाते हैं, क्योंकि ये कंसील कर रहे होते हैं पार्ट ऑफ द ट्रुथ और ऑफर कर देते हैं एडवर्स टेस्टिमनी अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, इट मे बी ब्राइब्ड, थ्रेटेंड और वन ओवर बाय द अपोजिट पार्टी, डिपेंड करता है सरकमस्टेंसेस पे। ठीक है, हु कैन डिक्लेयर अ विटनेस हॉस्टाइल। ठीक है, तो पार्टी जिसने विटनेस को कॉल किया, ठीक है, वो क्या काम करती है, कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे विटनेस को डिक्लेयर करें हॉस्टाइल। ठीक है, और अल्टीमेटली कोर्ट जो होती है वो डिक्लेयर करती है सच विटनेस को एज हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, देन एग्जामिनेशन इन चीफ में नॉर्मली ऐसा होता है कि लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते, लेकिन जब कोर्ट ने विटनेस को डिक्लेयर कर दिया एज हॉस्टाइल, देन लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है, कैन बी आस्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ फ्रॉम द हॉस्टाइल विटनेस। एग्जामिनेशन इन चीफ मीन्स एग्जामिनेशन है विटनेस का बाय द लॉयर ऑफ द पार्टी हु हैज़ कॉल्ड हिम। ठीक है, बोथ कॉमन एंड एक्सपर्ट विटनेस मे बिकम हॉस्टाइल। ठीक है, अगर इनकी पनिशमेंट के बारे में बात करें तो हॉस्टाइल विटनेस मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द परजूरी विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 193 ऑफ द IPC।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ विटनेस के बारे में। कॉमन विटनेस का एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे वेजिटेबल वेंडर ने स्ट्रीट पर मर्डर होते हुए देखा है, या किसी पासर बाय ने एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, तो ये विटनेस कौन से हुए? कॉमन विटनेस, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व्ड किया है या परसीव्ड किया है, ठीक है। जबकि एक्सपर्ट विटनेस जो है स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूज़न को या ओपिनियन देख सकते हैं, ना केवल वो फैक्ट्स जो उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं या जो दूसरे ने भी नोटिस किए हैं उनके हिसाब से भी वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लाइक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, थैंक यू।